मस्त लग रहे हैं ना हम लोग, बहुत मस्त। मैं तो लग ही रहा हूँ इसका पता नहीं। ये हमारी गाड़ी खड़ी है, इसमें हम जाएंगे डाइनिंग हॉल तक। हमारा बाहर का संडे, लास्ट संडे हम निकले थे। यस, और आज संडे है। सो ये लास्ट नाइट है जो हम स्पेंड कर रहे हैं। वैसे कल की नाइट भी ट्रेन में होंगे। एक एक मिनट यहाँ पे कीमती है, एक एक मिनट। भैया डाइनिंग हॉल छोड़ दो। स्काई ज़िला जा रहे हैं, देखते हैं वहाँ क्या क्या एक्टिविटीज़ हैं। कुछ एक्टिविटीज़ थी जो पैकेज में इंक्लूड थी, मतलब एक पर्टिकुलर डेट से पहले बुक करेंगे तो स्काई ज़िला में एक्टिविटीज़ आपको फ्री मिलेंगी। तो हमने पहले ही बुक किया था, तो वहाँ जाके देखते हैं क्या क्या एक्टिविटीज़ हैं जो FOC हैं। और उसमें से हम क्या करते हैं, मुझे तो ज़िप लाइनिंग करना है। मेरे को भी ज़िप लाइनिंग ही है जो जिसके लिए स्पेसिफिकली मैं जा रहा हूँ। पैरा मोटरिंग भी होती है यहाँ पे, ATV भी थी। ATV दिखा तो नहीं अभी तक, पैरा मोटरिंग हमने देखा। और स्काई ज़िला चलते हैं फटाफट, इससे पहले कि वहाँ पे भीड़ हो जाए और धूप हो जाए। ये भी 10 बज रहे हैं, 12 बजे के बाद इम्पॉसिबल है बाहर रहना, अनटॉलरेबल। तो 2 घंटे में घूमेंगे, फिर थोड़ी देर आराम करेंगे, देन काला डूंगर। यस, सॉरी 12 बजे तक घूमेंगे, उसके बाद स्पा। फिर हमारे पास 2 घंटे रहेंगे जिसमें विल हैव लंच एंड लिटिल बिट रेस्ट। ZQNYKA चल रहे हैं अभी जिप लाइनिंग के लिए। एक स्टेप हो जाइए, यहाँ से पकड़ना। हाँ, इस इधर देखिए आप, इस तरह से। ठीक है, वो तो थोड़ी देर के लिए मैं ऐसे कर लूँगा, तो देन वापस इस तरफ। और ऐसे करना ना, एंडिंग पॉइंट में थोड़ा सा जर्क लगता है ना। हाँ, वही मैंने उन्हीं उनसे पहले पूछ लिया था, तो उन्होंने वही बोला था इसके पैरेलल रहेगा, तो थोड़ा उस टाइम ध्यान पे। यहाँ से ये वापस ना, थैंक यू। तो गाइस आपने देखा होगा, इट वाज अमेजिंग। थोड़ा सा उन्होंने एक्स्ट्रा केयरफुल होने के लिए बोला था। वैसे भी ये मेरा फर्स्ट टाइम था कि मैं ऐसा कोई एक्टिविटी कर रहा हूँ विद GoPro कैमरा ऑन। थोड़ा सा टेंशन था, बट फिर सोचा ठीक है, देखी जाएगी। ये सब एक्सपीरियंसेस तो कैमरा में रिकॉर्ड होने चाहिए, बट दे हैव एक्सप्लेन्ड वेरी वेल। उन्होंने अच्छे से समझा दिया था कहाँ पे प्रॉब्लम हो सकता है कैमरा को लेके, तो इसलिए मैंने पहले ही कैमरा को पुल बैक कर लिया था। अच्छा था, डर तो नहीं था, डर तो एकदम नहीं था इसमें, तो बस जो थोड़ा बहुत डर था दैट वाज रिलेटेड टू कैमरा, कि कैमरा को कुछ हार्म ना हो जाए। बाकी मज़ा आ गया। चलिए अब देखते हैं कुछ और करना है कि नहीं करना है। मेरे को यही एक करना था ड्राइंग, इसलिए मैंने किया ये, बाकी मैं उतना इंटरेस्टेड नहीं हूँ। मज़ा आ गया। डर तो 0% था, सिर्फ डर जो था वो इससे रिलेटेड था। हमें ये जो स्काई जिला की एक्टिविटीज़ हैं ये पैकेज के साथ इंक्लूसिव टी फ्री मिली थी। ये स्काई जिला है तो इसमें 3-4 एक्टिविटीज़ हैं, जैसे रॉक क्लाइंबिंग, रैपलिंग, जिप लाइन एंड रोप वे। तो हमने सिर्फ जिप लाइन ही किया क्योंकि वेटिंग टाइम है यहाँ पे और गर्मी भी काफ़ी है। जिप लाइनिंग करने का हमारा मन था इसलिए हमने सिर्फ वही किया, बाकी रोप वे में तो बहुत टाइम लगेगा। एंड उसके अलावा और बहुत सारी चीज़ें यहाँ पे, जैसे ATV राइड है, पैरा मोटरिंग है, मून वॉक है, बुल राइड है, आर्चरी, एयर गन, साइकिलिंग, सेगवे। तो मतलब फैमिली के साथ है, बच्चों के साथ है, तो पूरा टाइम पास हो जाएगा यहाँ पे। तो हमने एक ही चीज़ किया और देखते हैं अगर कुछ और मन होगा तो करेंगे, नहीं तो वील गो बैक बिकॉज अभी 11:30 हो गए हैं और 12 बजे वी हैव अ स्पा सेशन, कपल मसाज। यस, पे गर्मी इतनी है एंड वो अभी इन्होंने वेटिंग लाउंज भी सेटअप कर दिया है, ऑलमोस्ट कर ही रहे हैं, हो जाएगा। तो इतना क्राउड होने के कारण जो लोग का नंबर आने वाला होगा उनको वेटिंग लाउंज में बिठा देंगे, तो इट्स अ गुड थिंग। एक्चुअली अभी 4 दिन ही हुए हैं तो अभी भी उसमें भी शायद सेटअप नहीं किया, अभी कर रहे हैं ये लोग। 10 मिनट के आराम के बाद हम लोग फिर से रेडी हैं जाने के लिए, स्पा सेशन के लिए। यस। तो अभी हम निकलेंगे, 12 बजे का अपॉइंटमेंट था और 12 बजने ही वाले हैं, 5 मिनट हैं। यहाँ से लेंगे कार टर्न, फटाक से जाएंगे रिजुविनेशन सेंटर। यस, रिजुविनेशन सेंटर जाएंगे। दिस इज फॉर कपल मसाज। So these massages are all done by experts. Yes, yes, they all are experts, and we take all the precautions. Our rooms are already sanitized. Once again, once we enter therapy, this will be wearing a PPE kits and they'll be doing it. So kind of that. स्पा करा के हम वापस आए, इतना ज़्यादा रिलैक्स फील हो रहा है ना, बॉडी एकदम हल्की हल्की लग रही है। तो 8 दिन से हम लोग लगातार घूम रहे हैं, सीरियसली मच नीडेड था। इतना लाइट फील हो रहा है, जो स्टिफनेस थी बॉडी का वो सब खत्म हो गया। तो अगर आप रणोत्सव आए तो स्पा रेकमेंडेड है, मतलब काफ़ी अच्छी सर्विस है, प्रोफेशनल है बिल्कुल जो लोग सर्विस देते हैं। तो अभी हम लोग जा रहे हैं काला डूंगर टूर के लिए, उसके पहले हम करेंगे लंच और फिर हम निकलेंगे 3 बजे। अभी बज रहे हैं 2 बज रहे हैं और 45 मिनट में हम लोग काला डूंगर टूर के लिए निकलेंगे। एक के बाद एक कुछ ना कुछ एक्टिविटी हो ही रही है। 8 दिनों में हमने इतना घूमा है। अगर इस ट्रिप की पूरी सीरीज आप देखना चाहते हैं तो लिंक आपको मिल जाएगा नीचे डिस्क्रिप्शन में या तो ऊपर कहीं, तो जाके ज़रूर देखिए और कमेंट करके बताइए कि आपको कौन सा सबसे अच्छा लगा। और हमारे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। आप देख रहे हैं कितनी कड़ी धूप में मेहनत करके हम लोग बना रहे हैं, बहुत मेहनत लगती है। हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और बेल नोटिफिकेशन वाले आइकन को भी दबा दें ताकि नोटिफिकेशन आपको आते रहें। मिलते हैं अगले व्लॉग में जब हम जाएंगे काला डूंगर। Yes, yes.